कि गुच्चू पानी यानी कि रोवर केफ डाउन कर दिया, कहीं मैं ना लग जाऊं भाई मैं बराबर। बाइक में ट्रॉली लगी हुई है, गजब। 25 करोड़ जनसंख्या, हिंदुस्तान का सबसे बैक गिर जाएगा, मेरा धक्का लगाना पड़ेगा बाबा। तो भाई ये पहाड़ कहाँ से स्टार्ट हो गए, चलते चलते पहाड़। पुलिस वाले काले कपड़े क्यों पहन रखे हैं यहाँ पे, इस टाइप का ही घर चाहिए अपने को भी ना। सेफ्टी इतना महंगा क्यों, वहाँ देखो कमर तक पानी है। तो भाई करने नहीं दिया, बोला 20 रुपए चार्ज लगे। देखो फ्लो कितना बढ़ चुका है पानी का, क्या आई हेट गर्ल। बाकी मैंने गंगा जल को ना यहाँ बांध दिया। अबे भाई मेरे क्या कर रहा है यार, बस जल खंडित हो गया भाई, गाड़ियाँ तोड़ती पूरी। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के बज चुके हैं 5:58, निकलने आज अपनी राइड पे। और आज की जो राइड है हमारी समतल पे राइड है, पहाड़ों के साइड ही जाएंगे लेकिन पहाड़ पे नहीं जाएंगे। तो चलते हैं, राइड करते हैं कंप्लीट, क्योंकि और बाहर हो चुका है मौसम ना, बारिश वाला तो दिखाते कि बारिश ना हो जाए, अगर होगी भी ना भाई आज रेन कवर पहन के गाड़ी चलाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर और बिल्कुल लेट नहीं करेंगे। पिछली बार राइड पे भी मतलब गया था ना आपका नवगछिया था, तो भाई पूरी बारिश होती है, भींगते हुए गया था, लेकिन तो रेन कवर डालेंगे अगर बारिश होती है तो। लेकिन मौसम भाई बाहर गजब का बन चुका है, चलते हैं दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम और निकलते हैं राइड पे। रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए राइड पे। और मौसम की बात की जाए तो अब मौसम साफ हो गया, लेकिन अभी भी बादल बना हुआ है, चेक जाम हो गए इसके। हम जय बजरंगबली और निकलते हैं राइड पे। थोड़ा ना और जल्दी निकलना पड़ेगा, यानी कि 5:30 निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि लगता है सुबह सुबह बारिश होगी, जिस हिसाब से पानी है रोड पे। चल मिल रहा है तेल, तो नॉर्मल तेल कर दो अंकल जी फुल। तो तेल है 400 रुपए का, 4.22 लीटर। लीटर की रीडिंग है 34756। ग्लव्स भाई, ग्लव्स पहनना जरूरी है। पिछली राइड पे जो गया था ना भाई साहब, हाथ देख रहे हो कैसे काले हो चुके हैं। ये बारिश बंद हुई समझ में, लेकिन बूंदे आ रही है हल्की हल्की। सुबह सुबह साइकिलिस्ट जा रहे हैं, यार सामने बारिश हो रही है, बाबा बारिश हो रही है यार। ये तो कुछ ज्यादा तेज हो गई बारिश, तो आगे वाले फ्लाई ओवर के नीचे रुकता हूँ। फाइनली बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, तो भाई बारिश फिर से स्टार्ट हो गया, मैं यही रुक गया ये त्रिपाल के नीचे ना। और आज हम जा रहे हैं देहरादून, जो है अपना उत्तराखंड में पड़ता है, अब सबको पता ही है देहरादून उत्तराखंड की राजधानी भी है। उसे कवर करेंगे आज, देहरादून जाने का ना कोई मेरा था नहीं, लेकिन जब मैंने एक रील देखी थी ना एक्चुअली, कि गुच्चू पानी यानी कि रोवर केफ है, उसमें इतना पानी आ चुका है, सैलाब आ चुका है। मैं बोला चलते हैं देखते हैं, अब वो तो सैलाब अभी तो नहीं रहेगा, लेकिन जब भी देखते हैं नहीं कितना गुच्चू पानी, क्योंकि मैं 2-3 बार जा रखा हूँ रोवर केफ। एक बार मैंने वीडियो भी बनाई थी, अब चैनल पे जाके चेकआउट करना, वीडियो डली हुई है। तो चलते आज फिर से देहरादून पूरा कवर करते हैं, देहरादून में जाएंगे, सस्त धारा वगैरह भी कवर करेंगे और भी काफी सारी चीजें, तो सब चीज कवर करते हैं, बढ़ते आगे की जर्नी देहरादून की। तो आज दो रूट है वैसे जाने के, आप सबको पता है नॉर्मल अपना मोदी नगर मुरादनगर से होते हुए आप सीधा भी जा सकते हैं, लेकिन अब वो वाला रूट लेंगे नहीं। अब मोदी नगर वाला जो है ना मेरठ तक पूरा ही डिस्टर्बेंस रूट रहता है, बहुत दिक्कत होती है यार उस पे, तो वो वाला रूट लेंगे नहीं। यहाँ से हम एक्चुअली जाएंगे आज सोनीपत, सोनीपत से कट पड़ता है सीधा शामली की तरफ, तो शामली से फिर हम रवाना हो जाएंगे आगे सहारनपुर से, और सहारनपुर से इस बार देहरादून में एंट्री मारेंगे। वापसी का रूट डिसाइड करूंगा बाद में कि कौन सा लेना, कि यही लेना या फिर अपना मुरादनगर वाला लेना। इस रूट पे एक जाने का एक बेनिफिट है, थोड़ी बाइक्स वगैरह भी देख लेंगे, थोड़ा कॉन्टेंट मिल जाएगा अपने को। तो भाई यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है, कहीं बारिश कहीं छाया, यही है भगवान की माया। फाइनली हमें मिल चुकी है मोटी मोटी बाइकें, यानी कि हार्ले डेविडसन। बड़े भाई साहब गाना चला रखा भाई ने, अरे स्पीकर देखो पैर के पास है, भाई ने गियर डाउन कर दिया, कहीं मैं ना लग जाऊं भाई मैं बराबर। तरफ मैं तभी आता था तब मैं हिमाचल जाता था, लेकिन आज मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ इस रोड से। तो भाई आ चुका है हमारा दिल्ली वाला पहाड़। एक्चुअली क्या हुआ था ना, जब हर स्टेट में पहाड़ है समझ के, हर स्टेट में आप यूपी जाओ हरियाणा जाओ, हर स्टेट में छोटे बड़े पहाड़ मिलेंगे आप, लेकिन दिल्ली में पहाड़ नहीं था। तो गवर्नमेंट ने इसको काफी गंभीरता से लेते हुए हमारे लिए पहाड़ क्रिएट कर दिया, जिसको कहते हैं कूड़ा वाला पहाड़। तो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी मेहरबानी कि हमारे दिल्ली में भी पहाड़ की व्यवस्था की गई है। बेशक बदबू आती है जा नहीं सकते, लेकिन पहाड़ है भाई समझ रहे हो, ताकि कल को कोई स्टेट वाला हम पे ये ना बोले तुम्हारे पास पहाड़ नहीं है, हमारे पास भी पहाड़ है, 3-3 पहाड़ है, एक गाजीपुर के पास है, करनाल भाई पास के पास है, लेकिन पहाड़ है, और एक कहाँ पे पता नहीं भाई, बता देना कमेंट में, लेकिन 3 पहाड़ तो इतना तो कन्फर्म है भाई तुम्हारा। इसके ऊपर जा सकते हो ऐसी बात नहीं जा सकते, बदबू आएगी थोड़ी, लेकिन पहाड़ तो पहाड़ होते हैं भाई। और गर्मी जो है अब लग रही है, उमस जो है ना, उमस वाली गर्मी ना, ये 2-3 महीना जो है ना ये बहुत परेशान कर रही है गर्मी, अब सितंबर तक करती है। ये है सिंधु बॉर्डर, आधा खोला है आधा नहीं खोला है, कंक्रीट और मिट्टी वगैरह सब जमा दी है भाई साहब, गजब की इस बार सुरक्षा लेयर बनाई गई थी। आ चुके हम हरियाणा में, हरियाणा में हम सबका स्वागत है। आ चुका है पानीपत 43, और अब लगा लेता हूँ मैं गूगल मैप, क्योंकि पानीपत से पहले कटेगा रास्ता। तो गूगल मैप लग चुका है और देहरादून पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 4:05, 211 किलोमीटर है, 11:44 पे पहुंचेंगे देहरादून। तो भाई कहां जा रहे हो ओला लेके, बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए।
तो आप सब ने ट्रैक्टर में ट्रॉली लगी हुई देखी होगी, जीप में ट्रॉली लगी हुई देखी होगी, लेकिन बाइक में देखी है? नहीं देखी ना, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो बाइक में ट्रॉली लगी हुई है, गजब। तो धान की रोपाई स्टार्ट हो गई, इस तरफ लगे इस तरफ लगा रहे हैं धान। में जाना है इस फ्लाईओवर के ऊपर, शामली और मुजफ्फरनगर के लिए हम मुड़ जाएंगे इस तरफ। इसमें बाइक अलाउ है ना भाई? रूट मेरे लिए नया रूट है, मैं इससे पहले इस रूट पे नहीं आया। नया रूट कवर करने में ना अच्छा लगता है यार, नई नई चीजें देखने को मिलती है ना। ये सीधा मुझे शामली निकालेगा, शामली है यहाँ से 35 किलोमीटर, 35। इस रूट पे ना इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है, फैक्ट्री वगैरह ना। भाई साहब कितने बंदे आ रखे नहाने के लिए। यहाँ यमुना जी ना साफ है, यानी कि हम एंट्री कर जाएंगे यूपी में। तो ये परफेक्ट घर है, क्या सिंगल घर बना रखा है बंदे ने। यहाँ पूछते कॉफी मिलेगी क्या? कॉफी तो इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, तो चाहिए कॉफी। भैया कॉफी मिल जाएगी? कॉफी पहला स्टॉप लिया है कॉफी का। कॉफी काफी नीट थी, काफी टाइम से ना ढूंढ रहा था, लेकिन फिलहाल फिर जब मैं अंदर घुसा ना तो मैं सोचा क्या पी लेते कॉफी, कब तक वेट करेंगे। 9:28 पहला स्टॉप। भाई ने कॉफी काफी अच्छी बनाई थी। तो भाई ये क्या जा रहा है भोपू सा? भाई अंकल क्या है भोपू? अंकल गाना बजा रहे हैं और ये कॉफी पी के ना भाई अलग ही जोश आ जाता है। पीछे तो ढाबे पे रुका हुआ था, तो ढाबे यार अंकल ये कहते हैं कि शामली जो प्रदेश है ना, 25 करोड़ जनसंख्या, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है ये शामली। हमारे दिल्ली की मान लो 2 या 3 करोड़ के अंदर अंदर है जनसंख्या, लेकिन इसकी 25 करोड़ है जनसंख्या के मामले में। एक्चुअली जो बाइजर है ना मेरा ब्लैक कलर का है, और एक्चुअली मैंने मोबाइल का ना जो जिसमें मैंने गूगल मैप लगा रखा उसकी ब्राइटनेस मैंने पूरी फुल कर रखी है। ब्लैक कलर के बाइजर पे ना दिखता ही नहीं है कि गूगल मैप कहाँ ले जा रहा है। ट्रक कितने मस्त सजा रखे भाइयों ने, भाई बहुत ही बड़ा रेलवे ट्रैक है, अजीब सा रेलवे ट्रैक है ये तो। यहाँ जो है ना खेत को ना चारों बगल से ना घेर दिया है वायर से ना, वो इसलिए घेर दिया ना ताकि जानवर वगैरह जो है ना नुकसान कर देते होंगे खेत वगैरह का ना। तो बीच बीच में ना पैचेस खराब है जैसे कि ऐसे ऐसे ना, क्योंकि काम चल रहा है ना फ्लाईओवर का। अब कितने रेलवे ट्रैक आएंगे, बैग में आग ना लग जाए कहीं इनके, तो बैग गिर जाएगा। तो भाई मेरे तो उड़ गए होश, क्योंकि आज मैंने ध्यान ही नहीं दिया पेट्रोल पंप पे और अपनी गाड़ी में पेट्रोल पे। देखो पेट्रोल हो चुका खत्म, भाई सुई पूरी ही डाउन चली गई, रिजर्व से भी नीचे चली गई। हाँ देहरादून के लिए राइट मुड़ना है, मेरा धक्का लगाना पड़ेगा बाबा। पीछे पता क्या तो कह रहे 35 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है, यानी कि ना मुझे स्लो गाड़ी चलानी पड़ेगी। उतरेंगे हम नीचे और भरवाएंगे किसी गाँव से पेट्रोल पंप से पेट्रोल, क्योंकि जो पीछे भाई मिले वो कह रहे आगे मत जाओ, आगे आप फंस जाओगे क्योंकि गाड़ी में तेल बिल्कुल नहीं है, पूरी खत्म हो चुका तेल। भाई पता नहीं कौन से गाँव में आ गए। तो फाइनली हमें पेट्रोल पंप मिल गया ही फुल। तो तेल है 430 का 4.52 लीटर, मीटर की रीडिंग है 34961, एवरेज मैं लगा दूंगा साइड में। मल्लीपुर नाम है इस साइड का। तो यहाँ तो कम से कम अच्छा भी लग रहा है। बाबर पिछली बार जब मैं चूड़ू गया था भाई साहब हिल गया था, इतनी गर्मी थी। ये सब कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा की नगरी लगता केदारनाथ का सफर कर रहे हैं बाइक से। ये किधर आके मिला दिया? तो मेरे हिसाब से नहीं भी तो हम शायद उत्तराखंड में घुस चुके हैं। ये ऑटो का नंबर देखते, कमर्शियल ऑटो जहाँ भी दिखे ना, तो जब यूपी में हो या उत्तराखंड में, अरे ये तो यूपी में है अभी। यूपी क्या रहा है ये, अभी कहाँ उत्तराखंड में घुसे। मैं पत्ते कहाँ ले जा रहा, पत्ते खा लूँ क्या मैं? कौन सी जगह ये? बिहारीगढ़ आ गए। बिहारीगढ़ कहाँ जाओगे भाई? हाँ देहरादून जा रहा हूँ मैं भी। बैठो, क्या करते हो? बीए कर रहा हूँ भैया। कहाँ? देहरादून से? अच्छा भाई, फर्स्ट व्यू ऑफ हिल्स, पहाड़ के दर्शन हो चुके हैं हमें। नहीं तो 3 वीक से नहीं आया हूँ मैं पहाड़ पे, समतल पे राइड हो रही थी। पहाड़ पे तो राइड होने वाली है लेकिन बहुत जल्दी करेंगे, पहाड़ों पर एक लॉन्ग राइड प्लान कर रहा हूँ मानसून में ना। वैसे दूसरे रूट से आया इस बार देहरादून, सही लग रहा है। बजरी पे स्कूटी बहुत स्लिप मारती है भाई। तो भाई ये पहाड़ कहाँ से स्टार्ट हो गए? चलते चलते पहाड़ आ गए, पहाड़ पे गाड़ी चला रहे हैं। देहरादून है यहाँ से 22 किलोमीटर, मसूरी है 54। ऐसा बड़ा तगड़ा जाम लगा हुआ है, लाइन से खड़ी है गाड़ियाँ। हमी तो स्कूटी होने का बेनिफिट है कि यहाँ से चल रहे। और ये देहरादून एक्सप्रेस से कब रेडी होगा? जिस दिन रेडी होगा ना उसी दिन आएंगे यहाँ पे, स्कूटी चलाएंगे सीधा देहरादून जाऊंगा। उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत है टनल के अंदर।
भाई बरसात हुई है तो ग्रीनरी देखो किस लेवल की हो चुकी है, मतलब तो इन सारे जंगलों में लगी हुई थी आग, बारिश जैसा तो मौसम हो चुका है। तो भैया आ चुके हैं देहरादून शहर यानी कि देहरादून सिटी, जा रहे हैं यहाँ से गुच्चू पानी का मैप लगा लिया यानी कि रॉबर्ट केव, 16 किलोमीटर 40 मिनट लगेंगे, 1:25 में पहुंचेंगे। मौसम तो लाजवाब हो रहा है देहरादून का भाई साहब, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ग्राफिक एरा, ये ग्राफिक एरा वहाँ पे भी है यूनिवर्सिटी ने आपका भीमताल में। चलो ठीक है भैया, चलो मिलते हैं। Okay. बहुत लंबी राइड दे दी भाई को मैंने, 34 किलोमीटर की भाई। इतनी बार देहरादून से गए आए लेकिन कभी देहरादून ही नहीं घूमा। रेड लाइट बहुत है यहाँ पे, पुलिस वाले काले कपड़े के पहन रखे हैं यहाँ पे। अबे ये बोल रहा है इधर से मुड़ने के लिए गुच्छू पाने के लिए, अरे तो घर द्वार में रहा भाई साहब, क्या कोठी है भाई, गजब की कोठी बना रखी लोग वहाँ ने, घर द्वार तो अच्छे बना रखे। इस टाइप का ही घर चाहिए अपने को भी ना, खुला खुला। गूगल मैप जो है ना ये ना गलियों में मुझे घुसा ही देता है, चाहे किसी भी राइड हो, यहाँ से जाने देगा क्या मुझे? ये गूगल मैप तो दिखा रहा सीधा मिलिट्री एरिया है तो सीधा, तो भाई साहब पता नहीं किधर था भाई, जो सीधा दिखा रहा था मुझे। भैया रॉबर केव के लिए किधर जाना होगा? आप इधर से जाना, ये रोड है ना, काफी अच्छा लग रहा है भाई साहब, मजा आ गया। देहरादून की राइड भाई सफल रही क्योंकि मौसम जो है ना मजा आ गया। तो आ चुके पर्यटक स्थल गुच्चू पानी रॉबर केव, इधर जाना है, इतना तो रास्ता अपने को पता ही है। यहाँ से कितना दूर है? तो वो कौन सी, वो गवर्नमेंट पार्किंग है, ये कितने रुपए की है? गवर्नमेंट वाले में पता करके आते हैं। स्कूटर मोटरसाइकिल 59 रुपए, सही कहा था बंदा, 60 रुपए। गवर्नमेंट वाले में कितने रुपए पार्किंग है? 60 रुपए। इतना महंगा क्यों? टेंडर महंगा स्कूटर का। अच्छा टेंडर महंगा है, 60 रुपए टेंडर महंगा, तो महंगा करूँ मैं तो इसी में लगाऊंगा। कितने घंटे की भाई? अरे क्या 2 घंटे का क्या है ये? पक्का भाई देख लो वीडियो बन रही है, कहीं बोलो फिर बाद में। कैश आके देना, 10 ही रुपए है ना पक्का? तो चप्पल ले लिया मैंने, तो ताला है तो ताला दे दो। हेलमेट रख दिया भाई के, भाई बोल रहे हैं 20 रुपए। अरे खुलता कैसे ये भाई, इसमें महंगा सामान लगा हुआ है हेलमेट में। तो आ गए रॉवर केफ, ये आवश्यक सूचना, उच्चे पानी रॉवर के 35 रुपए, 5 साल के बच्चे का टिकट नहीं लगेगा। टिकट लगेगा 35 रुपए की टिकट है। मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम बरसात के मौसम में, तो इससे पहले मैं 2 टाइम आ चुका हूँ, मतलब कि बारिश नहीं होती थी, पानी हल्का हल्का चल रहा था, बस देखते रहते ना, बस पतली सी धार टाइप की चलती थी। देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, ज़्यादा अंदर जाऊँगा नहीं, कपड़े गीले हो जाएंगे। पानी वाकई में गंदा है यार, नाले वाले का पानी आता है क्या पहाड़ से? घुटने भर तक पानी तक चलूँगा, इसके बाद आ जाऊँगा, इसके बाद आगे नहीं जाऊँगा। तो हो चुकी है पानी में एंट्री और हमारे पैर धीमे, ठंडा ठंडा तो पानी है। ओ भाई साहब आगे चलते थोड़ा जहाँ तक हो सके। वहाँ देखो कमर तक पानी है, बस वहीं तक, उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते आप। जा सकते भाई, मेरे तो कपड़े भींग जाएंगे, मैं तो जाने वाला नहीं, आप सब चले जाना भाई। तो घुटने तक तो पानी आ गया, पानी जो है ना ऊपर तक चढ़ता हुआ, जिस हिसाब से पानी की कटिंग देख रहे हो, पत्थर को जो काटा है। तो आगे जा नहीं सकते, आगे जो है ना पूरा कमर के ऊपर तक पानी, कपड़े पूरे भींग जाएंगे, तो बस इतना ही दूर तक जा सकते हैं, बाकी चलता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ आगे की तरफ। भाई ये चप्पल ना, ये चप्पल बेकार चप्पल है भाई, ये ना ऐसे फोल्ड हो जाती है पानी में, ये ना ऐसे हो जाती है। यहाँ से निकल गए सस्त धारा की तरफ, सस्त धारा घूमते, बाकी ये गुच्चू पानी है ना, मैं आ रहा हूँ अपने फ्रेंडों के साथ, मैं आई बटन में लगा दूंगा वो वाला ब्लॉग, दिख रहा मैं एंड तक गया था पूरा। अभी एक्चुअली ना मैं भींगना नहीं चाहता हूँ ना, मैं पूरा भींग जाऊँगा ऊपर कमर तक, कमर से ऊपर तक पानी है, यानी कैफे वगैरह सही है यहाँ पे? गाने चल रहे हैं बस कैफे में। यहाँ पे दिया फ्राइड राइस का ऑर्डर, बाकी खा रहे थे, पार्किंग में आ गए थे, चप्पल लग दिया, हेलमेट ले लिया अपना और जूते पहन लिए, अब खाते हैं यहाँ पे खाना। सस्त धारा की तरफ लगा लिया गूगल मैप, गूगल मैप के अकॉर्डिंग 42 मिनट लगेंगे, 14 किलोमीटर है, 3:44 में पहुंचेंगे सस्त धारा। तो बारिश कभी भी हो सकती है, बाकी जहाँ पे मैंने फ्राइड राइस खा रहा था ना वहाँ पे भी बोले थे कि अगर बारिश होगी तो बारिश रुकेगी नहीं, और नहीं रुकेगी तो आपको सस्त धारा के अंदर नहीं जाने देगा, क्योंकि बारिश का पानी जो होता है ना एकदम से कभी कभी आ जाए तो सब डूब जाते हैं, और गुच्चू पानी भी बंद कर देंगे, यहाँ पे भी नहीं जाने देते हैं। ढाबे वाले को बोला भाई जरा मुझे ना अपना गोप्रो चार्ज करना है, क्योंकि ना पावर बैंक से गोप्रो चार्ज होने में लगता है 7 टाइम, बिजली से चार्ज करते हैं ना,
पानी की अडेप्टर लगा के तो फास्ट चार्ज हो जाता है। तो मैंने बोला भाई जितने देर लूंगा फास्ट चार्ज हो जाएगा, तो भाई करने नहीं दिया, बोला 20 रुपये चार्ज लगेगा घंटा, 20 रुपये प्रति घंटा। मैंने भाई ये कैसा सिस्टम है कि ना, यहाँ पे मुझे ढाबों का सिस्टम ठीक नहीं लगा और खाना भी ठीक नहीं था। रॉबर केव की कहानी ये है ना कि रॉबर केव जो इसका नाम पड़ा यानी गुच्चू पानी, यहाँ पे एक्चुअली अंग्रेजों का खजाना लूटने के लिए आते थे डाकू सब। डाकू सब अंग्रेज का खजाना लूट के और इसी गुफा से निकल जाते थे। भाई जिसका डर था वही हुआ, बारिश हो चुकी है स्टार्ट। अरे अरे मैडम किधर, तो बारिश तो काफी ज्यादा तेज हो गई है। गोप्रो वगैरह सब खोल के ना, बारिश तेज होगी लग रहा है, होगी तेज होगी ना, हो चुका है पूरा, रेन कवर वगैरह पहन लिया, बारिश हो रही है तेज। अब बारिश में राइड करना, गोप्रो वगैरह खोल लिया, वीडियो वगैरह बनाएंगे नहीं, गोप्रो पानी चल रहा है बहुत दिक्कत करता है। तो आ गए सस्त धारा भाई, यहाँ पे देखो फ्लो कितना बढ़ चुका है पानी का, बारिश अब जाके बंद हुई जब मैं यहाँ पहुँचा। तो चलते आगे तक देखते कहाँ तक जा सकते हैं, वहीं तक जाएंगे, जहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं जाएंगे भाई, ठीक है। जिनको यहाँ डर लग रहा है वो यहाँ ना रहे हैं, ऐसे ही रास्ते जाने के लिए ना। रेन कवर भी ना मैंने आज यूज कर ही लिया भाई, सही है रेन कवर, हल्का ना कहीं कहीं भींग गया हूँ, इसको ना देखना पड़ेगा सही से ना पैक वैक करके कैसे पैक होगा, आगे से भींगा लगता है, जहाँ चेन लगती है ना वहीं से पानी गया। तो वो क्या कर रहे हैं लकड़ी लेके, अलग ही सिस्टम है उनका तो। बाकी वो पीछे तक देख रहे हो, वहां तक हम सब गए थे, पूरा एंड इसका भी कर दिया था हम सब ने। बाकी आई बटन में जाके देखना वो वीडियो जो है ना, वो प्रॉपर मैंने बनाई थी इस समय सस्त धारा की और गुच्चू पानी की, तो हम दोनों जगह कवर किया था, आज भी दोनों जगह कवर किया, लेकिन आगे तक जा नहीं पाएंगे क्योंकि रास्ता भी खराब है और हेलमेट है मेरे हाथ में, कहाँ कहाँ जाऊँगा। और बरसात का मौसम है ना, अगर बारिश होगी तो पानी का फ्लो बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। कि मेरा रेन कवर देखो यहीं से फट गया, देख रहे हो ये, इधर भी देखो क्या वेदर हो रहा है, पानी का फ्लो इतना है कि ये टूट गया बीच में से ना, वहाँ से भी टूट गया। आगे स्कूटी के पास, आज स्कूटी हमने इतने अंदर खड़ी कर दी थी, अब प्रॉपर तरीके से बारिश हो गई है बंद, यही डिसाइड लिया और मैं निकलता हूँ यहाँ से सीधा दिल्ली। आज मैं जो रूट लूंगा वो ये अपना हरिद्वार वाला रूट लूंगा, क्योंकि कल से सावन स्टार्ट है, तो सारा चीज देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे तैयारी चल रही है भोले की यानी कि कांवड़ियों की, कि क्या रौनक है NH-58 पे, क्योंकि कांवड़ियों का मेन रूट वही रहता है NH-58 हरिद्वार से दिल्ली वाले रूट पे। भाई सबसे पहले ना मुझे पंचर वाले को ढूंढना, क्योंकि पिछले टायर में ना हवा बिल्कुल कम है, कहीं हवा अगर कम हुई तो सीधा करवा लेंगे पंचर बनवा लेंगे। देहरादून और हल्द्वानी में ना एक सिमिलर लगता है कि दोनों सेम ही लगते हैं मुझे, मौसम कितना फ्रेश हो जाता है बारिश होने का, कितना साफ हो गया, और जो बादल थे ना पहाड़ों पे वो सब भी हट गए हैं। कौन से रूट से जा रहा हूँ, ओए क्या घर है भाई साहब, क्या मस्त घर बना रखा, बीच में कोठी टाइप का पूरा आंगन, सामने जा रही है गाड़ी और लिखा है आई हेट गर्ल, क्यों भाई क्या कर दिया गर्ल्स ने तुम्हारे साथ जो तुमने ये लिख दिया। देहरादून कट यानी कि हम यहाँ से मुड़ जाएंगे राइट तो पहुंचेंगे हरिद्वार, और लेफ्ट मुड़ते पहुंचेंगे हम ऋषिकेश। क्या भाई अबे सन्नाटा क्यों है इतना, यहाँ पे रेड लाइट थी क्या, मैं ऐसे ही निकल गया, मैं देखा भी नहीं। कल से है सावन स्टार्ट, ये सोच रहा हूँ कि जल लेके मैं रवाना हो जाऊँ। छोटा वाला डिब्बा है, इससे भी छोटा है, इससे छोटा काफी है, ये 10 रुपए हड़की पौड़ी में जाएंगे ना, पार्किंग ले लेगा बेकार में, और मुझे जल्दी भरना है भाई, यहाँ से चला दूंगा गाड़ी, कहाँ कहाँ से जा रहा हूँ मैं भी। तो यहाँ से लेते हैं जल, पानी तो बहुत ठंडा भाई, जय गंगे मैया जय गंगे मैया। भाई जल भर लेते हैं, मैं सोचता हूँ कहीं बांध देता हूँ। तो भाई ये है पुराना पुल, देख रहे हो लोहे का पुल, इसमें से ट्रेन जाती थी, छोटी लाइन की ट्रेन जाती थी इसमें से, और इसमें से लोग जाते और गाड़ियां जाती है। तो बाकी मैंने गंगा जल को ना यहाँ बांध दिया, मीटर गेज की लाइन है, तो हरिद्वार में ना लाइन भी बिछी हुई थी उस समय। अरे बाप रे बाप, बोलबम 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 बोलबम, हम हड़की पौड़ी की तरफ आ चुके हैं। तो ये प्रशासन जो है ना बड़ा टाइट है, हर चौराहे पे हर नुक्कड़ पे ना पुलिस फोर्स खड़ी है। तो ये रही हमारी गंगा जी का रौद्र रूप, तो नहीं कह सकते नॉर्मल कह रही है, बाकी कांवड़ियों की पूरी भीड़ लगी है भाई, कांवड़िये कांवड़िये दिख रहे हैं यहाँ पे, और अभी काफी सारे कांवड़िये जा रहे हैं, देखो उधर भी कांवड़िये दिख रहे हैं, यहाँ पे कांवड़िये रेस्ट मोड पे गए हैं सब। आसान चीज नहीं है जल उठा के और अपने शिवालय पे जहाँ भी चढ़ाना है, अरे भोले बाबा भी जा रहे हैं, क्या बात है। तो टाइम टू रिफिलिंग डलवा लेंगे पेट्रोल गड्डी में, फुल कर दो पूरा फुल। हाँ हाँ अबे भाई मेरे क्या कर रहा है यार, ये तुझे बोलने वाला है, बंद कर दे यार, खींच नहीं रहा मैं, क्या करूँ ये बता पहले, तू इतने तेल का तो खींचना पड़ रहा है, तो गाड़ी आगे करवा लेता, अच्छा 5-6 रुपये तेल धोना गिरा है, तो आप ही नहीं तुम ही बताओ कितने का गिरा है, तो तुम्हारी बात होने वालों को 4-5 रुपए का तेल गिरा है, ये तो कंप्लेन करूंगा इस पेट्रोल पंप के, वीडियो तो बनी गई है ना, कंप्लेन ठोकूंगा क्या भाई, कल परसों में ऊपर से कॉल आएगी,
तेल जो गिरा है ना, हंस रहे हो, ये हंस रहे लग रहे हैं। मीटर की रीडिंग है 35145। भरते आगे की जर्नी हो चुकी है शाम, हमने कर लिया अपना बाइजर चेंज और कावड़ियों की है धूम। जय बोले की वीडियो थोड़ी लेट आएगी क्योंकि आज है 21 तारीख, कल है 22, कल सावन का दिन। यहाँ ना बड़ा दिक्कत है भाई, अगर ऐसे रहा ना तो मैं रात के 2-3 बजे तक दिल्ली पहुंचूंगा। तो रॉन्ग रूट लेता हूँ मैं, गाड़ी खींचता हूँ भाई, ऐसे हालत रहा तब तो मुश्किल है दिल्ली जा पाना। बस यहीं से मैं डाल रहा हूँ उल्टा रूट पे। लाइटिंग देखो, यूपी में भी हम एंट्री करे, उत्तराखंड पीछे रह गया, जस्ट अभी एंट्री मारा यूपी में। अब भाई साहब क्या लाइटिंग कर रखी है यहाँ पे, उन्होंने ना आगे इस रूट पे भेज दिया पूरे हाईवे, ये ट्यूबलाइट जो लगी हुई है समझ में नहीं आ रहा ये पुलिस वाले का, कभी इधर भेज रहे हैं कभी इधर भेज रहे हैं। क्या हो गया यहाँ पे लड़ाई हो गई, जल खंडित हो गया क्या? बस जल खंडित हो गया भाई, गाड़ियाँ तोड़ती पूरी, मजा पूरी गाड़ी खत्म कर दी इन्होंने। कॉफी मिल जाएगी कॉफी, रुके थे फिलहाल कॉफी पीने के लिए, कॉफी ऑर्डर कर दिया और एक आलू का पराठा ऑर्डर किया, भूख लग रही है हल्की हल्की तो खा लेते आलू का पराठा और कॉफी, फिर रनिंग करेंगे आगे। तो आगे अपनी कॉफी भी आ गया, अपना आलू का पराठा थोड़ा सा खा पी लो ना तो मन फ्रेश हो जाता है। भाई ये कौन सी मशीन है, ट्रक में ही सेट है भाई ये मशीन, तो ये करती क्या मशीन भाई। तो आ चुके हैं मोदी नगर वाला रूट पे और यहाँ पे ना एक बेनिफिट है, रोड ठीक कर दिया है। हाँ तो भाई साहब रोड इतनी खराब थी, यहाँ पे गड्ढे थे इतने, बम्स थे ना, अरे भैया बोलते ही आ गए, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, वेरी गुड है भैया, अरे भैया बापरे, अरे ना कहीं कहीं पे है, अरे भाई अभी फंस गया कल है, आप तो एलिवेटेड पे लाइट ही नहीं जल रही है, तो यहाँ पे जल रही है पीछे नहीं जल रही है। तो भैया फाइनली आ गए अपने घर, लगता बारिश हुई है क्या यहाँ पे भी। बाकी मीटर की रीडिंग है 35341, टाइम हो चुका 12:25 भाई।